पानीपत ग्रामीण से निर्दलीय प्रत्याशी विजय जैन को लगातार मिल रहे समर्थन से उनकी ताकत बढ़ रही है। गुरुवार को उनका कई जगह सम्मान समारोह किया गया, किसी ने हार पहनाए तो किसी ने चांदी का रथ भेंट कर दिया। दोपहर को सर्वजातीय जन पंचायत ने भी उन्हें अपना समर्थन और आशीर्वाद देकर उनकी ताकत को और बढ़ा दिया। पानीपत ग्रामीण से सर्व जातीय पंचायत के बैनर तले निर्दलीय चुनाव लड़े विजय जैन के लिए बृहस्पतिवार का दिन लकी रहा। कुछ जगह उनके सम्मान समारोह हुए तो दोपहर को सर्व जातीय जन पंचायत ने विजय जैन को समर्थन देकर उनकी जीत को निश्चित बता दिया। पहले सुबह गांव नांगलखेड़ी की दादा खेड़ा चौपाल में विजय जैन जिंदाबाद के नारे लगे। ग्रामीणों ने उन्हें चांदी का रथ भेंट किया। 36 बरादरी जो उनकी अपने बेटे अपने भाई के प्रति जो प्यार दिखा रहे हैं, मुझे उनका जो इतना मान सम्मान मिल रहा, प्यार मिल रहा है, मैं इनका कर्ज कैसे चुका पाऊंगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य देना कि जिस उम्मीद के साथ ये सम्मानी जनता मेरे साथ जुड़ी है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। पूरे पानीपत ग्रामीण हलके में भाई विजय जैन के नाम की लहर चल रही है और जो प्यार और जो सम्मान हमारे को ग्रामीण हलके में उन गाँव से मिल रहा है, भारी संख्या में ट्रक रैलियां और उनको चल करके जो लोग हमारे को समर्थन और प्यार दे रहे हैं। दोपहर को एक और संस्था सर्व जातीय जन पंचायत ने विजय जैन को अपना समर्थन और आशीर्वाद देने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले सर्व जातीय जन पंचायत ने पानीपत शहरी से कांग्रेस प्रत्याशी वरिंदर बुल्ले शाह को अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। सर्व जातीय जन पंचायत की 21 सदस्यीय कोर कमेटी है। कोर कमेटी ने 3-4 मीटिंगों के बाद हमने फैसला किया था कि इस चुनाव में हम किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देंगे, हम व्यक्तियों को समर्थन देंगे, अच्छे आदमियों को समर्थन देंगे। तो आपने देखा होगा जब से हमने 36 बिरादरी का नारा दे करके ये चुनाव शुरू किया, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये सर्व जातीय पंचायत के बैनर के तले ये 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है। ये 36 बिरादरी का चुनाव है और जिस तरह से आज मेरी ताकत बढ़ाई हमारे बड़े भाई सुरेंद्र रायलावत जी ने, अब जीत से कोई नहीं रोक सकता, अब तो मार्जिन देखना कि कितना बड़ा मार्जिन करना है। गौरतलब है कि 2.5 महीने पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले विजय जैन को पार्टी से टिकट नहीं मिला, तब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी प्रसिद्धि और पहचान के दम पर चुनावी ताकत को बढ़ाकर अब वो आगे बढ़ रहे हैं। वो इतने मशहूर हो रहे हैं कि गली मोहल्लों और बाजारों में पार्कों में उनका नाम चर्चा में है। शायद इसीलिए वो निर्दलीय होते हुए भी कामयाबी की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी अब संघर्ष, समय, पब्लिक के मूड और उनके मुकद्दर पर ही सारा दारोमदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।